दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल हेल्दी फॉर अवर पे। आज हम बात करेंगे एक बेहतरीन जूस के बारे में जो डायबिटीज के मरीजों के लिए लाजवाब होता है, एश गार्ड सफेद कद्दू या जिसको पेटा कहते हैं, इसके जूस के बारे में। ये सिर्फ डायबिटिक पेशेंट्स के लिए ही फायदेमंद नहीं है, इसके ओवरऑल हेल्थ के लिए भी बहुत ज्यादा फायदे होते हैं, ये बहुत ज्यादा लाभकारी होता है। तो जान लेते हैं कि इसको बनाते कैसे हैं, लेकिन शुरू करने से पहले एक बात मैं कहना चाहूंगा। देखिए, आपको बहुत सारा ज्ञान मिलता होगा इधर उधर से कि ये खाइए वो मत खाइए, लेकिन जब भी आप अपनी सेहत और बीमारी के बारे में इस तरह का कोई भी आप विचार करते हैं, सोच समझ के फैसला लें, परख के कोई भी चीज़ इस्तेमाल करें जब आपकी सेहत या हेल्थ की बात आती है। बट यहाँ पे जो भी देखिए जानकारी मिलेगी वो एविडेंस बेस्ड और साइंटिफिक होगी। तो चलिए शुरू करते हैं और जान लेते हैं कि हमें एश गार्ड या सफ़ेद कद्दू का जूस बनाने के लिए कौन कौन सी सामग्रियों की या इन्ग्रीडियंट्स की जरूरत पड़ने वाली है। इसमें हमें सिर्फ 5 इंग्रेडिएंट्स ये होते हैं। बहुत ही आसान है ये एश गार्ड का जूस बनाना, हालांकि इसके फायदे लाजवाब होते हैं। तो देखिए, इसमें हमें चाहिए होगा सबसे पहले एक छोटे आकार का सफेद कद्दू यानी कि एश गार्ड, और साथ में एक छोटा चम्मच नींबू का रस, 5 से 6 पुदीने के पत्ते, ये ऑप्शनल हो सकता है। अगर आपको पुदीने का स्वाद अच्छा लगता है तो इसको जरूर इस्तेमाल करें, और थोड़ा सा स्वाद अनुसार आप नमक ले सकते हैं, रॉक साल्ट लेंगे तो और भी अच्छा रहेगा, और करीब पानी 1 कप। तो चलिए एश गार्ड जूस बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एश गार्ड को छील कर छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। उसके बाद एक मिक्सर या ग्राइंडर में ये कटे हुए एश गार्ड के टुकड़े डाल देंगे, और इसमें जो 1 कप पानी हमने लिया था वो भी डाल के इसको अच्छी तरीके से पीस लेंगे। अब इस पूरे मिश्रण को एक छलनी या कपड़े में छान लेंगे दबा दबा के, ताकि इसका पूरा रस निकल जाए। अब इसमें जो 1 छोटा चम्मच हमने नींबू का रस लिया था उसको डाल दीजिए, जो स्वाद अनुसार आपने नमक लिया था उसको डाल दीजिए। अगर आपको थोड़ा और फ्लेवर चाहिए तो इसमें आप जो पुदीने के पत्ते लिए थे वो मिला देंगे, या फिर आप इसकी जगह सिनेमन पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरीके से हमारा हेल्दी एश गार्ड जूस तैयार है। इसे एक ग्लास में निकालकर ताज़ा ताज़ा ही सेवन करें। गर्मी के दिनों में आप ठंडा रखने के लिए इसमें आप बर्फ का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, या फिर आपको थोड़ी देर इसको फ्रिज में रख के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए, एश गार्ड जूस का सबसे बड़ा फायदा होता है डायबिटीज कंट्रोल करने में। एश गार्ड में कम कैलोरी होती है, इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स की बहुत ही कम मात्रा यानी कि ना के बराबर मात्रा होती है, इसके अंदर फाइबर काफी अच्छी मात्रा में पाया जाता है, जो शुगर के मरीजों के लिए इसको लाजवाब व्यंजन बना देता है। इसके अंदर फ्लेवोनॉइड्स होते हैं, कैरोटीन्स होते हैं, ये सारे एंटीऑक्सीडेंट जो है वो पैनक्रियाज के इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं और इंसुलिन की सेंसिटिविटी को भी इंप्रूव करते हैं। इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स और ग्लाइसेमिक लोड भी काफी कम होता है, जो ब्लड शुगर लेवल्स को कंट्रोल करने में बहुत ही मददगार साबित होता है। और एक साइंटिफिक स्टडी हुई थी, अमृत वेनी ने की थी करीब 2011 में, और उनके हिसाब से अगर कोई सफेद कद्दू को 3 महीने लगातार खा लेता है तो फिर उसका ब्लड शुगर सिग्निफिकेंटली कम हो जाता है, इवन जो डायबिटीज की दवाइयां हैं उनकी डोज भी काफी हद तक कम हो जाती है। तो ये तो डायबिटीज को लेके फायदे थे। इस जूस के डायबिटीज कंट्रोल करने के अलावा और भी बहुत सारे फायदे हैं। जैसे नंबर 1, ये एसिडिटी और गैस के लिए बेहतरीन औषधि होती है। एश गार्ड एक नेचुरल एल्केलाइन होता है जो पेट की एसिडिटी को कम कर देता है और गैस जैसी समस्या को दूर करने में आपकी हेल्प करता है। नंबर 2, ये वजन घटाने के लिए भी फायदेमंद है, क्योंकि शरीर को एक तो डिटॉक्स करता है, आपके मेटाबॉलिज्म को बढ़ा देता है, फैट के एब्जॉर्प्शन को कम कर देता है, जिससे वजन कम करने में मदद मिलती है। लीवर से भी फैट को काट के बाहर निकालता है, फैटी लीवर डिजीज में भी इसका अच्छा उपयोग होता है। ये एक हाइड्रेशन के तौर पे भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके अंदर पानी की काफी अच्छी मात्रा पाई जाती है। गर्मी के दिनों में इसको जरूर इस्तेमाल करें, यह आपको गर्मी की शिद्दत से और लू लगने से भी बचाएगा। ये डाइजेस्टिव सिस्टम को भी स्वस्थ रखता है। डाइजेस्टिव एंजाइम्स जैसे पेप्सिन या ट्रिप्सिन, जो पेट के अंदर एंजाइम होते हैं, उनको एक्टिवेट करके पाचन तंत्र को सुधारता है। कब्ज जैसी समस्याओं से भी राहत देता है, क्योंकि इसके अंदर फाइबर काफी अच्छी मात्रा में होता है। ये पैनक्रियाज की हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि जो इसके एंजाइम्स हैं उनको रेगुलेट करने में मदद करता है। स्किन के लिए भी बहुत ज्यादा फायदेमंद है, आपकी स्किन की टोन को, टेक्सचर को ये बढ़ाने में मदद करता है और चेहरे पे ग्लो लेके आता है। तो दोस्तों, ये थे एश गार्ड जूस के फायदे। अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आई हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें। थैंक यू।